मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वोटिंग चल रही है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़े आप ये देखिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर गए हैं सर दिखा दीजिए एक बार मैम आप भी दिखा दीजिए ये देखिए वोट की ताकत ये लोग समझते हैं वोट की कीमत ये लोग समझते हैं और अब इन्हीं से बात करूंगा सर क्या आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश में हमारे लोकतंत्र बचा रहना चाहिए हम जमूरियत चाहते हैं इस देश में और प्यार मोहब्बत बना रहे हैं इसके लिए हमने वोट किया है ये लोकतंत्र के लिए है अच्छा कमी क्या नजर आती है बस कमी तो ये नजर आती है सर की ये जो देश में आजकल माहौल है ना ये माहौल बदलना चाहिए प्यार मोहब्बत होनी चाहिए पूरे दु, 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 दुनिया के अंदर और देश के अंदर भी हमारे जमहूरियत अच्छा, आपने क्या सोचा यही बस ये है कि अपना हिंदू मुस्लिम ना हो ये जो दुनिया में हो रहा है ना इस टाइम मतलब ये कोई मतलब हिंदू चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब वो मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में मोहब्बत नहीं है जैसे पहले थी ना मतलब पहले थी ये वो नहीं रहा तकलीफ होती है मतलब अब हिंदू जो है मुसलमान को नफरत की नजर से देखता है मुसलमान हिंदू को नफरत की नजर से देखता है वो अच्छा नहीं है ना एक एकता होनी चाहिए हिंदू देना चाहते हैं और ये उसी वजह से हमने वोट किया लोकतंत्र के लिए जमहूरियत के लिए वोट है हमारा मैम इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही है कि बड़ी तकलीफ होती है जब कहीं हिंदू मुस्लिम की बात मैम सर हम कहना चाहेंगे कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए आजकल के जो पढ़े लिखे वेल एजुकेट लोग हैं धक्के खाते फिर रहे हैं अपनी डिग्री लेकर तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए और इसी तरीके से देश में अमन शांति और चैन रहे यही हम सब चाहते हैं सुकून रहे अच्छा जब इस तरह की बातें सुनती है अभी जैसे मैम ने कहा तो क्या लगता तकलीफ होती बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है पढ़ाई से ही माइंड डिस्टर्ब होता है पढ़ाई पर अपनी फोकस नहीं कर पाते हम लोग यही रहता है कि हम चाहते हैं कि बस आपस में हमारा वही हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में अमन चैन सुकून रहे और युवाओं को रोजगार मिले अच्छा अमन चैन में सुकून रहना जी जरूर जैसे कभी इस तरह की बातें निकल कर सामने आती है आप कह रहे कि भाई एक दूसरे को नफरत मतलब ये नफरत की बात भी है, एक डर का माहौल बना रहता है मतलब अजीब सा लगता है बाहर निकलते हुए भी महसूस होता है कि नहीं अब वो वाला बात नहीं रही पहले वाली जब हम छोटे थे तो फिर भी मोहब्बत थी सबके दिलों में तो हिंदू मुसलमान ईद होती थी तो मुसलमान के यहाँ आते थे मतलब तो दिवाली होती थी तो हम भी जाते थे हम छोटे थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के जाते थे अब वो वाली बात नहीं रही है देख रहा रहा मैं आवाज से ही ही लग ऐसे है ना अब वो वाला बात नहीं रही पहले वाली वो मोहब्बत हम चाहते हैं कि मोहब्बत बनी रहे और देश में ये माहौल ना पैदा हो जो ये लड़ाई झगड़े वाला माहौल है ये ना हो युवाओं को नौकरी भी मिले किसानों का भी सम्मान हो सबका हो सब ये देश सबका है सबका है एक एक सिर्फ एक ही तबके का नहीं है ये सबका है हमारे भी हमारा जो है हमारी जो है, है इसमें बहुत कुर्बानियाँ हमारे हमारी हमारे बड़ों की इस देश को आज़ाद कराने के लिए तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारा भी हक ऐसे ही है जैसे और लोगों का है बहुत साफ बोलते हैं दो क्या करें भाई ये जब देखते हैं ना दुनिया को तो इस वजह से करना पड़ता है अब हम हमारा काम तो है नहीं रहा पॉलिटिक्स का लेकिन जब हम देखते हैं ये ऐसा होना नहीं चाहिए इस देश में हमारे जो अब इतिहास उठा के देखिए हमारे जो मुस्लिम हैं बुजुर्ग उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं लेकिन फिर भी हमें दो एम दर्जे का नागरिक समझा जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए एक समाज को ही जो है वो दी जा रही है प्राथमिकता दी जा रही है दूसरे समाज को मतलब नीचे कर दिया गया है बिल्कुल ही भी आप कह रही थी कि थोड़ी बचपन की बात की भी बचपन मिलते थे अब मतलब कितना अंतर मतलब ये हो गया है फिर भी मतलब लोग बाग एक दूसरे से कटने लगे हैं ये हिंदू ये मुसलमान ऐसा हो चुका है माहौल फर्क आ गया है बहुत ज्यादा हाँ जी क्या कह रहे हैं मैं कह रहा थोड़ी नफरत की दीवार हो गई है नफरत पैदा हो गई है वरना हम जो रहे ना हमने होली का चंदा हमने इकट्ठा किया होली की लकड़ी हमने इकट्ठा की हनुमान चौक पर रहते थे अब इधर रह रहे हैं हमें पता ही नहीं था कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है जी। तकलीफ होती है जैसे इनको तकलीफ होती है मेरी 62 साल की उम्र होती है बड़ा दुख होता है क्योंकि आज भी अगर हम अपने मोहल्ले में चले जाएं इधर हनुमान चौक पे आज भी हमें प्यार से इस तरह लोग आ जाओ मियाँ जी आ जाओ भाई जी आ जाओ लेकिन ही बोलते हैं यहाँ की तो पश्चिम की भाषा चेचा वाली यही वाली है चेचा वाली है लेकिन आज का दौर जो है ना ये हम तो ये चाहते हैं कि नफरत की दीवारें गिरे और फिर से एकता और भाईचारा मोहब्बत बना रहे ये कैसे लगता है कि नफरत की दीवार बस ये है कि ये जो बस माहौल ये सकते हैं हाँ हाँ कैसे लगता है हाँ, नफरतों उसमें आप लोगों का भी रोल रहेगा सर आप, आप, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए उनको उनसे भी इस तरह बात कीजिए हमसे भी इस तरह बात कीजिए आप आगे बढ़ाइए ना आप जो है वो चीज़ दिखाइए जो रियल है रील मत दिखाइए वो है ना वो वो हमारी रिक्वेस्ट सब सोशल मीडिया में भी है मीडिया से भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सबसे है कि रील्स मत दिखाइए रियल दिखाइए आपको रियल की। जब ऊपर वाले ने मतलब सबको एक बनाया सबका खून लाल बनाया तो यहाँ पर आकर हम अलग अलग क्यों पट गए किस वजह से हमें वो हो रहा है तकलीफ होती है जब कोई हमें अलग दर्जे से देखता है कि भाई ये दाढ़ी वाला है मुसलमान नहीं हम सब एक हैं ऊपर वाले ने हम सबको सबसे पहले इंसान बनाया है एक दूसरे अब आपने कोरोना में देखा कैसे मुसलमानों ने मदद की है सब लोगों की ये अपनी जान की परवाह ना के बगैर उनकी सबकी मदद करी है सर यह वोट की कीमत समझ बे, बे, बिल्कुल समझनी चाहिए ये ये तो इसे एक हमें त्यौहार की तरह मनाना चाहिए कि जैसे हम ईद और दिवाली पे अपने घरों पे आते हैं ना हम कहीं भी हो हमें वोट करना चाहिए वोटिंग करनी चाहिए यही सोच बिल्कुल यही सोच आपने क्या सोच भी हम हम विकास नगर रहते हैं हम, हम स्पेशल वोट डालने के लिए अपने घर आए हैं विकास नगर से हम विकास नगर रहते हैं देहरादून दे रहते हैं हम सर हम दोनों वोटिंग करने के लिए ही यहाँ आए मैं, मैं दिल्ली रहता हूँ मैं सिर्फ इसीलिए आय स्पेशली वोट के लिए अपने जब आपने तो दिल जीतने वाली बात जी जी सर ये हमारा अधिकार है यही है कि हमें अपने वोट करना चाहिए हमें देश को मजबूत बनाना है आगे लेके जाना है युवाओं को खासकर रोजगार में देख रहे विकास नगर दिल्ली से हाँ वही है ना ये यही है ये किसी तरह भाईचारा बना, बना रहे हम इस मादरे वतन को अपने खून से हमारे बड़ों ने सींचा है और आगे भी हम यही सोचते हैं कि हमें अगर इस देश के लिए हमें खून भी देना पड़े तो हमारा भाईचारा बनने के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इतफाक देंगे इनशाला अगर हम हमारा हमें नहीं हमारे बच्चों की भी कुर्बानी देनी पड़ी ना इस देश को बचाने के लिए हम वो भी देंगे इनशाला नहीं बदले बदलाव आएगा बदलाव आएगा मोहब्बत ऐसा नहीं है नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी नफरत हारेगी मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया तो देखें तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी इनका सीधा कहना है विकास की बात हो भाईचारे की बात हो नफरतों की बातें नहीं होने चाहिए इन लोगों के दिल में इस बात का दर्द जरूर नजर आ रहा है कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं तकलीफ इधर ही नहीं तकलीफ उधर भी होती है और यह तकलीफ कब दूर होगी इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं, और सभी को उस वक्त का इंतजार है कि जब न तकलीफ नजर आएगी न दोनों के बीच दीवार नजर आएगी वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सनु शर्मा एबीपी न्यूज मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में बोल हाँ। चुनाव में हर शख्स के अपने अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं कुछ लोग मुद्दों को लेकर वोट करने जाते हैं और कुछ लोग प्रत्याशी को लेकर सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं ये तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं और युवा हैं और ये देखिए अपने वोट का इस्तेमाल करके आए अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करके आए एक बार दिखा दीजिए जरा आप लोगों ने अपनी वोट डाली देखिए लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीर है कि इन लोगों को अपनी वोट की ताकत और वोट की कीमत समझ में आई इन्हीं से एक एक करके बात करूंगा क्या मुद्दा था आपके लिए जो वोट किया है आपने आपने क्या मतलब आ, मुद्दा सोचा प्रत्याशी सोचा या कुछ और था ऐसा कि ये सोच के वोट करने आए बस यही सोचा है कि जो भी हो अच्छा हो मतलब ये जो पहले लड़ाई दंगे इस चीज ये चीज नहीं होनी चाहिए और तकलीफ होती है इन बातों को हाँ बहुत ज्यादा होती है और आगे के लिए जो भी सरकार आए वो हमारे लिए बहुत अच्छी होकर इसलिए हमने वोट दिया है उसमें से कोई भी आए मोदी आए और कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता पर जनता के लिए आनी चाहिए। अच्छी आनी चाहिए जी आ, क्या और क्या क्या मुद्दे आपने सोचे कि ये चीज होनी चाहिए मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर में तो कुछ खास हुआ नहीं है अभी तक ना मोदी की सरकार में न और किसी की सरकार में कुछ नहीं अच्छा हुआ है क्या चाहिए हो ना बहुत कुछ होना चाहिए मुजफ्फरनगर में तो जो नहीं हो पा रहा है अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है अब आगे क्या होता है अच्छा अच्छा आप आ, मुझे कोल्डोरा बोलर नहीं जा अच्छा आप बता <laughs> अच्छा आप बता <laughs> अच्छा महंगाई को लेके अच्छा, महंगाई हल्की होनी चाहिए अच्छा, महंगाई बड़ा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है कारोबार है नहीं ये सबके लिए वोट किया अच्छा बेरोजगारी महंगाई ये आपके जी जी आपने क्या सोचा नहीं मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही सभी के लिए जो भी है हम तो कह रहे बच्चे बड़े हो जाए पढ़ाए लिखाए सब कुछ करें लेकिन कहीं जॉब भी नहीं मिलती बच्चों को कुछ भी नहीं होता यूँ हाथ मलते रह जाए मुसलमान भाई तो क्या करें चलो बस ठीक है इतना ही कह रही हूँ तो देखिए इनकी जो तमाम बातें हैं वो आपने सुनी कुछ जो महिलाएं हैं वो बोल नहीं पाई लेकिन ज्यादातर का कहना है कि वो चाहते हैं कि विकास हो उनके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ मुजफ्फरनगर में विकास होना चाहिए ये तमाम उनके लिए ऐसे मुद्दे हैं वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सनुज शर्मा एबीपी न्यूज मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर में जो मुस्लिम महिलाएं मतदान करके आई हैं क्या उनके लिए मुद्दा है क्या सोचकर उन्होंने वोट दिया है उन्हीं से बात कर लेता हूँ यही कि संविधान की, की रक्षा के लिए और सबका विकास हो शहर का यही सब हमारे देश में अच्छा हो अच्छे से सुविधा मिले अच्छा विकास हो इसी की को सोच के वोट करा जी अच्छा और क्या चीज आपको लगती है की ये चीज़ होनी चाहिए नई जनरेशन है वो बस ये है कि आगे बढ़े आगे विकास हो इसी के लिए वो मतदान किया है एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी